हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा चौथी का EVS पाठ दो नेहा का जन्मदिन पढ़ाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, नेहा का जन्मदिन पाठ दो का पेज नंबर 16 है। तो शुरू करते हैं बच्चों। खुशबू आए मन ललचाए, खुशबू आए मन ललचाए। नीतू दीदी ने कहा कि खाना तैयार हो गया है। वह खाना मेज पर लगा रही थी। उसकी चूड़ियों की खन खन की आवाज़ अच्छी लग रही थी। विनय भैया बोले, वाह दीदी, यह खन खन की आवाज़ तो आपकी चूड़ियों से आ रही है। दीदी बोली, विनय खूब पहचाना तुमने। खाने में बहुत सी चीज़ें थी, उनसे खुशबू आ रही थी। ज्योति ने कहा, दीदी आपने हलवा बनाया है ना, हलवे से खुशबू आ रही थी। नेहा ने कहा, हाँ लेकिन तुमने कैसे जाना। ज्योति बोली, हलवे की बहुत अच्छी खुशबू जो आ रही है। पिंकी ने कहा, सूंघने की बात पर याद आया कि हमारा मोगली भी सब चीज़ों को सूंघ कर पहचान लेता है। पिंकी के प्यारे पालतू कुत्ते का नाम मोगली है। ये पिंकी का जो है प्यारा कुत्ता है मोगली। मोगली ऐसा मासूम जानवर है जो बिना बोले अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जो बिना बोले अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। यानी वो बता देता है कि मुझे क्या चाहिए। भूख लगी है तो रसोई घर के आगे बैठ जाता है, और उसको प्यार जताना होगा तो क्या करेगा, वो पैरों में गिरकर कूं कूं की आवाज़ करेगा। उसके आगे है, अब बताओ मोगली और किस किस चीज़ को सूंघ कर पहचानता होगा। मोगली जो है खाने की चीज़ों को सूंघ कर पहचान लेता है। क्या तुम्हारे पास भी कोई पालतू पशु है, तुम उसे किस नाम से बुलाते हो। मेरे पास एक कुत्ता है, उसका नाम टोमी है। टोमी जब उसे भूख लगती है तो वह कैसे बताता है, वह रसोई घर के पास बैठ जाता है। रसोई घर के पास आकर बैठ जाता है कि मुझे भूख लगी है, उसको पता चल जाता है। वह तुम्हारे प्रति प्यार कैसे दर्शाता है, कूं कूं करके प्यार दर्शाता है। जब तुम बाहर से घर आते हो तो वह क्या करता है, पैरों में गिर कर कूं कूं करता है। जब घर के दरवाजे पर कोई अजनबी आता है तो उसका बर्ताव कैसा होता है, वह जोर जोर से भौंकता है, भौं भौं जोर से भौंकता है। बच्चों ने एक साथ बैठकर खाने का आनंद लिया। अंत में सब ने एक रसगुल्ला खाया। पेज नंबर 16। उसके बाद पेज नंबर 17 पर चलते हैं बच्चों।